नमस्कार दोस्तों। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तो इस वायदे को मैं अभी पूरा कर रहा हूं। और वॉइस प्रो के बारे में दूसरा वीडियो मैं अभी बना रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वॉइस प्रो में हम फाइल को बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, फाइल को मर्ज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। अगर हम वॉइस प्रो से रिकॉर्डिंग करना चाहे तो उसे म्यूज़िक भी बैकग्राउंड में दे सकते हैं। तो ये सभी फीचर हम इस वॉइस प्रो में अभी देखेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं वॉइस प्रो में। वॉइस प्रो देखिए, रिकॉर्डिंग शोइंग आइटम 1, 2, 3 और 3। वॉइस प्रो में को डबल टैप किया है और सेटिंग सॉरी वॉइस प्रो में अब मैंने एंट्री कर ली है। तो दोस्तों, सिलेक्ट ऑल, नॉट चेक, चेक बॉक्स, नॉट चेक, चेक बॉक्स, बैक बटन, वॉइस प्रो। तो देखेंगे रिंग टोन वॉल्यूम सेट 0%, वॉइस प्रो में क्या बटन रिकॉर्ड। तो ये सब मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। तो हम एड और रिमूव बैकग्राउंड बटन, देखिए रिकॉर्ड बटन, Add button disabled. Record button. Add or remove background. Preferences. देखिए, ये preferences है और ये खाली आवाज आप सुनते हैं ना साउंड की। देखिए preferences. फिर एक बार देखिए, ये जो खाली आवाज है इसको हम डबल टैप करेंगे और add remove background में add background में जाएंगे और हमको वो फाइल चुनने को बोलता है। तो हम किसी भी फाइल को चुनेंगे और उसको डबल टैप करके हम अगर उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो जो म्यूजिक है वो आपके बैकग्राउंड में बजेगा और आपका रिकॉर्डिंग भी होगा। ये फीचर मैं आपको दिखा सकता था लेकिन मुझे अफसोस है कि ये रिकॉर्डिंग शुरू होने के कारण ये फीचर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग की बात हो गई। अब हम जाते हैं ऐड रिमूव बैकग्राउंड में। रिकॉर्ड बटन, ऐड रिमूव बैकग्राउंड बटन। तो हम अलर्ट बैकग्राउंड शोइंग आइटम्स 1 टू 2। हम ऐड रिमूव बैकग्राउंड में अभी एंट्री किए हैं हमने। तो इसमें दो आइटम हमको मिलते हैं। देखिए, पहला आइटम है ऐड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड ऐड बैकग्राउंड। देखिए, ऐड बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड और रिमूव बैकग्राउंड। तो हम ऐड बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड ऐड बैकग्राउंड, alert background on top, untitled on bottom, alert choose a background music, voice 2017-12-18, mirage.mp3, import remote button, import local button। तो दोस्तों, वो ऐसा है कि हमारे वॉइस प्रो में जो रिकॉर्डिंग फोल्डर होता है, तो इस रिकॉर्डिंग फोल्डर में जितने भी फाइलें सेव हैं वो इतने पहले बताता है उन फाइलों के नाम, और फिर एड रिमोट और ऐड लोकल, इंपोर्ट रिमोट और इंपोर्ट लोकल सॉरी, तो वो बताता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इंपोर्ट रिमोट बटन। देखिए, इंपोर्ट रिमोट, इंपोर्ट लोकल बटन, इंपोर्ट लोकल। तो हमको क्या करना है, लोकल में जाना है। तो हम जाते हैं लोकल में, पेरेंट फोल्डर, इंपोर्ट फाइल ऑडियो शोइंग आइटम्स 1 टू 6 ऑफ 6। देखिए, पेरेंट फोल्डर इंपोर्ट ऑडियो। तो हम पेरेंट फोल्डर में नहीं, पेरेंट फोल्डर json.mp3। देखिए, मैंने इस रिकॉर्डिंग फोल्डर को रिकॉर्डिंग 2017-12-16-0936। तो हम रिकॉर्डिंग फोल्डर में से फाइल चूज करेंगे, लेकिन आपको इंटरनल मेमोरी के कोई भी फोल्डर में जाना है तो पहले हम पेरेंट फोल्डर में जाते हैं। देखिए, पेरेंट फोल्डर, पेरेंट फोल्डर शोइंग आइटम्स 1 टू 6 ऑफ 53। देखिए, शोइंग आइटम्स 1 to 6 of 53। तो इसका मतलब यह है कि मेरे मोबाइल में 53 फोल्डर है इंटरनल मेमोरी में, तो इसीलिए उन्होंने कहा है। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग फोल्डर को स्क्रीन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देखिए, मैंने रात दुर्गा रिकॉर्डिंग फोल्डर चुना है। तो मैं अभी उसमें से एक फाइल को पेरेंट फोल्डर json.mp रिकॉर्डिंग 2017-12-6 रिकॉर्डिंग 27। मैंने इस फाइल को Do you want to import recording 2017-12-18-18-47-43.mp3? Voice Pro, Voice Pro. मैंने उसको चुना है
तो उन्होंने कहा है कि उसको इंपोर्ट करना है क्या, तो मैं उसको एस कर देता हूँ। Yes, button. तो मैंने उसको एस कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो रिकॉर्डिंग का फोल्डर था तो उसमें पहले 3 फाइल थे, अभी 4 फाइल हो गए हैं। देखेंगे हम Record preferences. Recordings. तो हम सीधे रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं। Not checked. Checkbox. Recording 2017-12-18-18-47. तो ये है रिकॉर्डिंग। Not checked. Checkbox. Recording 2017. Not checked. Checkbox. Voice 2017-12. Not checked. Checkbox. Voice 27. Not checked. Checkbox. Waraja.mp3 20-12-13-39. तो इसका मतलब ये है कि 4 फाइलें मेरे रिकॉर्डिंग फोल्डर में अभी हैं। तो पहले 3 थे, अभी मैंने एक को इंपोर्ट किया है तो इसलिए 4 फाइल्स हैं। तो मैं पहले रिकॉर्डिंग को चेक कर देता हूं और उसको हम फीडबैक भी देंगे। Select. Not checked. Checkbox. Recording when. Checked. तो मैंने रिकॉर्डिंग को चेक किया है, तो हम अभी प्ले करके देखते हैं। Not checked. Not checked. Done button. तो ये सब होने के बाद पहला आता है डन बटन, तो हमें डन पर कुछ नहीं करना है। One. इसके बाद वन उन्होंने बोला है, क्योंकि हमने एक ही फाइल सिलेक्ट की है, हम अगर दो फाइल सिलेक्ट करते तो वो टू बोलता। तो देखिए मैं उसको प्ले करके देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, volume set to 100%. मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर संतोष चक्का Edit. और स्वागत है Loading. तो मैंने उसके बाद एडिट बटन है तो उस पर डबल टैप किया है तो वो लोडिंग हो रहा है। तो जैसे वो लोडिंग होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसमें लोडिंग हो चुका है। देखिए वेव फॉर्म व्यू, तो हम अभी आगे देखेंगे उसमें क्या क्या इफेक्ट मौजूद है। MP3 0.00 Start. End. उसका ये है Equalizer button. तो पहले हमें मिलता है इक्वलाइजर, तो उससे पहले थे End. Start. 0.00 196.24. देखिए 0.00 196.04 उन्होंने सब कुछ बताया। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो फाइल है वो 196 सेकंड की है। Start. End. तो वो स्टार्ट और एंड। Equalizer button. देखेंगे इक्वलाइजर, तो पहले Equalizer manager. हम इक्वलाइजर में देखेंगे। तो इक्वलाइजर में क्या मिलता है हमें, बेस मिलता है और ट्रबल मिलता है और सुपर बेस मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% होता है, तो मैं आपको उसको 100% करके प्रीव्यू से प्ले करके दिखाता हूँ। Booster cut the bass, lower or treble, 50% seat control. 50% seat control, 100%, not checked, super bass, 50% seat control. 50% seat control, 100%, not checked, super bass, checked. तो मैंने ये सभी जो बेस और स्टेरियो था तो उन दोनों को भी मैंने 100% किया और सुपर बेस को भी मैंने चेक किया है जो नॉट चेक था। तो हम देखेंगे प्ले करके। प्रीव्यू बटन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त। तो दोस्तों ये हमने देखा कि पहले नॉर्मल थे तो उसमें कुछ इफेक्ट आ गया बेस का, तो कुछ अलग सा सुनाई देगा आपको, लेकिन उसको अब सुनने के लिए आपको हेडफोन की ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों ये बेस और ये सुपर बेस है, तो उसको हम अगर ये इफेक्ट लाना चाहते हैं तो हमको कंफर्म बटन पर डबल टैप करना पड़ता है। देखिए दो बटन है, देखिए प्रीव्यू कंफर्म बटन और कंफर्म। तो मैं उसको कंफर्म नहीं करूँगा। Check, super bass, checkbox. Check, super bass, cancel button. देखिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। Delay button. तो मैं remove vocal button, normalize button, MP3 44 tempo button, speed button. तो दोस्तों इस तरीके से हम reverse button, reverb button, tempo button, reverb button, reverse button, speed button, remove vocal button, pitch button, remove. Reverse button, reverb button, tempo button, normalize button, reduce noise, gain button, equalizer button. तो equalizer हमें अभी देखा हमने, तो हम gain button. Gain को अभी देखते हैं कि gain में क्या है. Gain manager.
तो दोस्तों गेन का मतलब होता है कि हमारी जो नॉर्मल वॉइस होती है तो वो वॉइस में वेट आ जाता है, तो गेन हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है 50%। प्रीव्यू बटन 50% सीक कंट्रोल देखेंगे अब उसको 50% सीक कंट्रोल 100% सीक प्रीव्यू बटन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो आवाज़ है उसमें बेस आ जाता है, उसका वेट बढ़ता है, तो गेन ये ऐसा काम करता है। तो हम जैसे मैंने ऊपर कहा वैसे ही उसको अगर इफेक्ट चाहते हैं वो हम, तो हमको क्या करना पड़ता है, कंफर्म बटन पर डबल टैप करना पड़ता है। तो मैं कैंसिल करता हूँ। Tempo button. Normalize button. Reduce noise button. Gain button. तो gain था अभी. Reduce noise button. Reduce noise. तो इस effect के बारे में हम जानेंगे. Normalize button. Tempo button. Normalize button. Reverb button. Tempo button. Reverb button. MP3 44. Normalize button. Fifth delay button. Normalize button. Reduce noise button. तो हम. Noise manager. नॉइस को रिड्यूस नॉइस करेंगे, कैसा है वो देखेंगे। तो ये 0% है, तो मैं उसको डायरेक्ट 100% 0% seek control 100% seek control. Before replacing an original recording with a noise reduced version, experiment with different amount values to confirm button. Preview button. देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका Before replacing an original recording with a noise reduced version, experiment stop button. तो ये है reduce noise. तो ये effect चाहिए तो आप confirm पर double tap करके इस effect को भी हम ले सकते हैं. Before replacing an original recording with a cancel button. Voice probe. Tempo button. Reverb button. Tempo button. Normalize button. Reduce noise button. देखिए ये रिड्यूस नॉइज था। Normalize button. तो हम अभी नॉर्मलाइज पर क्लिक करेंगे। Norm manager. तो नॉर्मलाइज में कुछ नहीं है दोस्तों, उसमें हम सिर्फ स्टीरियो को बढ़ा सकते हैं और ये जो रिकॉर्डिंग की आवाज़ है ये बाय डिफॉल्ट 50% है, तो उसको 100% करके हम इस रिकॉर्डिंग की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे ये 50% है। 50% seek control. 100% not checked. Normalize stereo preview button. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर। तो दोस्तों इस तरह से हम नॉर्मल को सिलेक्ट करके उसकी आवाज बढ़ा सकते हैं। Use the normalize effect to set to 20.0 decibels. Norm manager. Not checked. Normalize stereo cancel button. तो मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। Fade button, delay button, tempo button, normalize button. तो हमने normalize अभी देखा है। Tempo button. तो हम tempo क्या होता है ये देखेंगे। Tempo manager. तो दोस्तों tempo में क्या होता है कि हमारे जो recording है तो वो by default 50% है, तो उसको हम बढ़ाएंगे तो उसकी speed जो है वो बढ़ जाती है। 50% seek control. देखिए 50% seek control, 95% seek control, 100% seek control. हमने उसको 100% किया है, तो देखेंगे स्पीड। Preview button. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर सचिन चट्टा और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुबह। तो दोस्तों मैंने पहला एक वीडियो भूरा के बारे में अपलोड किया है, तो आज की ये दूसरी वीडियो इसमें राम दुर्गा के बारे में आपको बटन। तो दोस्तों इस तरह से हमारा टेम्पो जो है उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो आपको अगर चाहिए तो आप कंफर्म बटन पर डबल टैप करके उसको भी उस इफेक्ट को भी अपने फाइल में ला सकते हैं। X 2.0 cancel button. Voice probe. Pitch button. Normalize button. Reduce noise button. Normalize button. Tempo button. Reverb button. देखिए रिवर्ब, ये रिवर्ब क्या होता है हम देखेंगे। Reverb manager. तो रिवर्ब ये होता है कि उसमें बाय डिफॉल्ट ही रिवर्ब रहता है, तो उसको हम Reverb option can be given to select confirm button. Add reverberation to the preview button. देखिए not checked. Let optional preview button. नमस्कार दोस्तों,
मैं आपका अपना दोस्त मिस्टर संतोष जक्का। The web option can be given to select only the web signal, thus allowing it to be processed further independently of the drive. जिसका नाम है सुरबहार। The web option note. Cancel button. Confirm button. Disable. Stop button. Confirm button. Cancel button. Voice Pro. तो ये था रिवर्ब का इफेक्ट। तो दोस्तों इस इफेक्ट के बाद हम आगे जाते हैं। Remove vocal button. Pitch button. Tempo button. Reverb button. Reverse button. Reverse क्या होता है? Reverse manager. हम अभी देखेंगे। Reverse the audio. Confirm button. Preview button. Reverse the audio completely. Reverse manager. Reverse the audio completely. Confirm button. Reverse the audio completely. Requires temporary. Reverse manager. तो उसमें कुछ 50% वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। Preview button. तो हम देखेंगे। देखिए कैसे। नवीन रोहित और नमेलोस एम सिंह यह नवीन एम लातिर शीत नबी और शीत नब। Reverse the audio complete. Confirm button. Cancel button. Reverse the audio. Stop button. तो ये था रिवर्स। तो दोस्तों आपको ये इफेक्ट अगर चाहिए तो इसके भी कंफर्म बटन पर आप डबल टैप करके इस इफेक्ट को भी ला सकते हैं। Cancel button. Voice Pro. Normalize button. Tempo button. Reverb button. Reverse button. Speed button. अभी ये स्पीड और टेम्पो का एक जैसा ही है तो उसमें कुछ नहीं है। तो मैं अभी आगे जाता हूँ। Remove vocal button. Remove vocal. तो इसका मतलब ये होता है कि हम अगर कोई गाना सुनते हैं और हमको ये गाना अपने हिसाब से गाना है लेकिन उस जो गायक है उनके साथ नहीं, हमको अकेले गाना है, तो उसका ट्रैक भी हमें इसे मिल जाता है। ये जो रिकॉर्डिंग है इसमें कोई ट्रैक नहीं है, ये सिर्फ आवाज़ है। तो इसलिए मैं आपको ये इफेक्ट नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप कौन से भी गाने को सिलेक्ट करेंगे और इस रिमूव वोकल को सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म बटन पर डबल टैप करेंगे तो 100% नहीं लेकिन 65-70% जो गायक हैं उसका आवाज़ है वो चला जाता है और हम आसानी से इस रिमूव वोकल की मदद से गाना गा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पिच क्या है हम देखेंगे। पिच मैनेजर चेंज द 50% सी कंट्रोल। तो मैं कंफर्म बटन 50% सी कंट्रोल 100% सी कंट्रोल 100% किया है। तो देखेंगे प्रीव्यू बटन। मेरा ही आवाज था है इस रिकॉर्डिंग में लेकिन वो कैसा होता है देखिए। Confirm button disabled. Stop button. तो दोस्तों इस तरह से हम इस पेज को भी बदल सकते हैं। 1000 100% change the audio pitch manager. 1000 preview button confirm button cancel button. तो हम उसे voice pro cancel करते हैं। Navigate up button. Normalize button. Remove vocal pitch button. Delay button. Speed button. Remove vocal button. Pitch button. Delay button. Fade button. Fade. तो zoom out button. Zoom out. तो दोस्तों इतने सारे इफेक्ट हम एक ही फाइल को दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये सभी इफेक्ट मैंने दिखाए हैं तो आपको जो चाहे वो इफेक्ट इसमें ऐड करके हमको इस फाइल को सेव करना पड़ता है। तो देखेंगे rewind button. Stop button. Play. Forward. Zoom. Navigate up button. देखिए navigate up. Voice Pro. Voice Pro. Save. और उसके बाद आता है save. तो हम अगर save पर double tap करेंगे तो edit box आता है। तो इस edit box में हम उसको नाम भी दे सकते हैं और नाम देने के बाद फिर एक बार हम save button पर double tap करेंगे तो वो file save हो जाती है। तो दोस्तों इतने सारे
इफेक्ट्स हमने देखे हैं इस वॉइस प्रो में, तो अब हम आगे चलते हैं। कॉपी कॉपी रिवर्स बटन स्पीड बटन वेवफॉर्म व्यू एंड इक्वलाइजर गेन रिड्यूस टेप रेव स्पीड बटन रिमूव पिच बटन डिले बटन फेड ज़ूम आउट रिवाइंड स्टॉप प्ले बटन फॉरवर्ड ज़ूम इन नेविगेट अप बटन वॉइस प्रो सेव। देखिए सेव कॉपी कॉपी, तो इस फाइल को हम कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन वॉइस फाइल को नहीं, टेक्स्ट फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं। कट, ये भी टेक्स्ट फाइल के लिए है। कट पेस्ट डिसेबल, क्योंकि ये फाइल वॉइस है इसलिए पेस्ट डिसेबल बोल रहा है। एक्शंस एक्शंस, तो देखेंगे हम एक्शन में क्या क्या है। मिक्स विद रेकॉर्ड्स मिक्स विद बैकग्राउंड, देखिए मिक्स विद बैकग्राउंड इंसर्ट रेकॉर्ड mix with records mix with record insert record insert record mix, remove silence remove silence extract extract mute mutes restore last version restore last versions reset status or reset status, to itna sab is action mein reset hai. Status back button waveform view paste disabled actions paste disabled cut paste action start marker 0.00 waveform view mp3 for 0. start, तो ये सब copy हमें मिल जाता है इसमें। voice pro waveform view speed back button select all recordings check checkbox recording 2017 12 18 18 47 43 mp3, तो दोस्तों not checked, इस रिकॉर्डिंग को मैंने अभी नॉट चेक किया है क्योंकि मैं अभी आपको मर्ज करके दिखाऊंगा। नॉट चेक चेक बॉक्स रिकॉर्डिंग 2017 नॉट चेक चेक बॉक्स वॉइस 2017, ये वॉइस है चेक, तो उसको मैंने चेक कर दिया है। नॉट चेक चेक बॉक्स वॉइस 2017-12-18-9 नॉट चेक चेक बॉक्स waraja.mp, तो ये तो चेक रिकॉर्ड है, ये हमें चेक करने पड़ते हैं क्योंकि मर्ज हम दो और उससे ज्यादा फाइल को कर सकते हैं, एक फाइल को नहीं। तो देखिए डन बटन टू, देखिए पहले वो उन्होंने वन कहा था, अब टू कहा है। प्ले डिसेबल प्ले डिसेबल, इसका मतलब ये है कि हम उसको प्ले नहीं कर सकते हैं क्योंकि दो फाइल हमने सेलेक्ट की है। एडिट डिसेबल, एडिट का भी ऐसा ही प्रॉब्लम है। इफेक्ट्स डिसेबल, इफेक्ट्स का भी यही प्रॉब्लम है। एक्शंस डिसेबल मोर, और हम अगर कोई मिक्स या मर्ज करना चाहते हैं तो हमको मोर में जाना पड़ता है। तो देखिए मोर में मिक्स डिलीट, देखिए पहला डिलीट शेयर विद शेयर मर्ज मर्ज, तो मैं मर्ज को डबल टैप करता हूं, तो मैंने मर्ज को डबल टैप किया है। रिकॉर्डिंग्स शोइंग आइटम्स 1 टू 5 ऑफ 5, तो दोस्तों ये मर्ज हो चुका है। सेलेक्ट ऑल, देखिए उसमें not checked checkbox 3p2017 not checked checkbox recording checked checkbox, तो मैंने not checked not checked checkbox voice 27 checked checkbox waraja, देखिए मैंने ये दो फाइल को not check किया, तो आपने note कर लिया होगा कि पहले मेरे voice pro के folder में चार फाइल थे, अब पांचवी कैसे आ गई, तो मैंने merge किया इसलिए दो फाइल से तीसरी और एक फाइल तैयार हो गए हैं, तो उसको वीपी वो बोलता है। देखिए सेलेक्ट ऑल नॉट चेक चेक बॉक्स वीपी 2017 12 21 010, देखिए मैंने उसको check. भी चेक कर दिया है वीपी को, और मैं आपको प्ले करके नॉट चेक नॉट चेक चेक नॉट चेक चेक डन बटन 1 प्ले देखेंगे प्रिंट ऑन वॉल्यूम सेट टू 100% not check not check check box waraja dot rewind button click not check forward button bahut tutur might be 93% slider seat control select all not check check box recording 2017 12 18 18 47 43 mp3 21-12 0040, to dosto maine ye do file thi जिसको मर्ज करके आपको दिखाए हैं, दोनों भी फाइल आपको प्ले करके मैंने मर्ज इकट्ठा दिखाई है। चेक चेक बॉक्स 3p27
तो फिर मैं उसको नॉट चेक करता हूँ। नॉट चेक, देखिए उसमें थोड़ा टाइम लेता है वो नॉट चेक होने के लिए। नॉट चेक, चेक बॉक्स, रिकॉर्डिंग 27, नॉट चेक, चेक बॉक्स, वॉइस 2017। तो मैं फिर एक बार वॉइस को चेक करता हूँ। चेक, वॉइस को मैंने चेक किया है। नॉट चेक, चेक बॉक्स, राजा MP3 20। और मैंने इस रिंगटोन को भी चेक किया है जो पहले अपने सुनीति मर्ज सॉन्ग में। तो अब मैं उसको मिक्स करके दिखाता हूँ आपको। डन बटन, टू, देखिए, प्ले डिसेबल, एडिट डिसेबल, इफेक्ट्स डिसेबल, एक्शंस डिसेबल, मोर। तो फिर एक बार मैं डिलीट मोर में जाता हूँ, मिक्स, और मिक्स पर डबल टैप करता हूँ। तो मैं रिकॉर्डिंग शोइंग आइटम्स 1 टू 6 ऑफ 6। देखिए पहले मेरे मोबाइल में चार तीन फाइल थी, फिर मैंने इंपोर्ट किए तो चार हुए, फिर मर्ज किए तो पांच हुए, और अब मिक्स किए। बैकग्राउंड जॉब फिनिश, ओपन द ऐप नाउ। देखिए उन्होंने कहा बैकग्राउंड जॉब फिनिश। तो हम किसी भी इफेक्ट देते हैं कोई भी फाइल को, तो वो जॉब होता है बैकग्राउंड, और वो अगर पूरा हो जाता है तो वो कहता है कि बैकग्राउंड जॉब फिनिश। तो उसका ये मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी मिक्स की हुई फाइल है वो आपको दिखाता हूँ। Not checked, check box. Not checked. Not checked, check box. VP 2017-12-21-0. तो मैंने उसको checked. Not checked, check box. Checked, check box. Not checked. Not checked, check box. Voice 2017-dash. Checked, check box. तो मैंने ये जो दो फाइल थे उसको not check कर दिया है, और हम select all. Checked, check box. VP 20. Not mix. Checked, check box. कैसे है देखते। Done button. One. Play. ये. Ringtone volume set to 100%. VP 2017-12-21-0-1-0-7-30. Check. Not. तो दोस्तों आपके मन में एक शंका उत्पन्न हुई होगी कि हम अगर check. ऐसे ही वॉइस रखेंगे तो हमारा ट्यूटोरियल है और बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये दोनों एक साथ कैसे बजेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमको क्या करना पड़ता है कि हम जो ट्यूटोरियल है या कुछ भी है, जिस फाइल को आप प्रायोरिटी देना चाहते हो, तो उसको पहले हम, मैंने जो कहा ना एडिट में जाकर इफेक्ट देने हैं, तो नॉर्मलाइज में जाकर हम उसका जो आवाज़ है वो 100% करेंगे, और जो हम बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना चाहते हैं उसको भी फिर एडिट में जाके इफेक्ट नॉर्मल में जाके उसकी आवाज़ 20% या 25% रखेंगे, तो हमारा मिक्स ऐसे होगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक है वो छोटे आवाज़ में बचेगा, और हमारी जो प्रायोरिटी वाली फाइल है वो बड़े आवाज़ में आपको सुनाई देगी। तो उसका ये है। लेकिन हम कोई भी इफेक्ट देते हैं तो इस फाइल को हमको सेव करना पड़ता है। तो मैंने जैसे ऊपर सब कुछ दिखाया है। तो दोस्तों एक बात रह गई है हमारी। Not check, check box. Not check. Check, check box. VP 2017. Not check. Not check. Done. Button. Two. तो हम play disable. Edit disable. Effects disable. तो ये इफेक्ट्स हैं। तो ये इफेक्ट्स वही है जो हमने एडिट में देखे थे। तो इसके लिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हम एडिट में जाकर वही इफेक्ट देते हैं और इफेक्ट को जाकर इफेक्ट्स में वही इफेक्ट देते हैं। लेकिन हम एडिट में जाते हैं तो हमको फाइल को सेव करना पड़ता है इफेक्ट देने के बाद। लेकिन इस इफेक्ट में अगर हम जाएंगे तो उसमें फाइल हमको सेव करनी नहीं पड़ती है। तो आपके ऊपर होता है आप कहाँ से जाके फाइल को इफेक्ट दे और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाए, मिक्स करे, मर्ज करे, वो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो एक बात है मोर ऑप्शन की, एक्शन डिसेबल, मोर, नेविगेट अप बटन, रिकॉर्ड, सर्च, एक्शंस, मोर ऑप्शंस बटन। देखिए मोर ऑप्शंस, अनटाइटल्ड ऑन टॉप, अनटाइटल्ड ऑन, रीलोड रिकॉर्डिंग्स, रीसेट जॉब। देखिए रीसेट जॉब, तो हमने कोई इफेक्ट दिए हुए हैं और हमको ये पसंद नहीं है तो हम यहाँ से रीसेट जॉब्स रीसेट कर सकते हैं। रीलोड रिकॉर्डिंग्स, रीलोड रिकॉर्डिंग, रिक्वेस्ट डेटा,
रिफ्रेश डेटा, तो ये तीन ही ऑप्शन इस मोर ऑप्शन में हैं। रीसेट जॉब्स, तो दोस्तों कैरेक्टर्स बैक बटन चेक चेक बॉक्स 3P 2017 12 21 0 1 0 चेक सेलेक्ट नॉट चेक मोर सर्च बटन एक्शंस, तो ये एक्शन है हम अनटाइटल्ड ऑन टॉप अनटाइटल्ड ऑन बॉटम लास्ट ऑप्शन है इस एक्शन का import local file import local file import remote background import remote background, तो ये सभी हम इसमें देख सकते हैं। back button, तो दोस्तों recording, मुझे आशा है कि voice pro के बारे में जो tutorial मैंने दो पार्ट में बनाए हैं तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप अच्छी तरह से वॉइस प्रो का उपयोग कर सकेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई इसलिए मुझे सभी लोग क्षमा करिए और आपका ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ इस वायदे के साथ कि आप इस वीडियो का अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।